कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच कांग्रेस भवन में हुए विवाद और राधिका खेड़ा के रोने का मामला सामने आने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का एक रुदन करता हुआ वीडियो सामने आया है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। ये कांग्रेसी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं, कांग्रेस निश्चित रूप से अपने पतन की ओर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती राधिका खेड़ा का प्रदेश कांग्रेस द्वारा किया गया अपमान समूचे छत्तीसगढ़ का अपमान है। माता कौशल्या की भूमि पर महिलाओं को अपमानित करने का दुस्साहस करने वाले कांग्रेसियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलअंदाजी को लेकर बहस हुई है, जिसके बाद राधिका खेड़ा का रोने का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारिस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजयन्ते सर्वस्त्राह फलाक्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं है वहाँ पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान है वहाँ देवता रमनते हैं। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के विनाश से उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। राधिका जी, छत्तीसगढ़ में बाकी लोगों से आप सुरक्षित हैं, कांग्रेसियों से अपनी सुरक्षा निश्चित कर लीजिए। आज बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जब भारत देश में सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर कांग्रेस का फिर से वार हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है, इसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। कल इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे, शिव डहरिया स्वयं शिव है और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं,
मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूंगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है? शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? इतने बड़े पद पर रहकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर, अगर वो हमारे भगवानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति करेंगे, इस बात की आपको कल्पना शायद नहीं होती होगी। पर मैं आज की एक घटना भी आपको बताना चाहता हूं। ये जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके पास धर्म नहीं होता, जो परंपराओं को नहीं जानते, ऐसे राजनेता ना देश के हो सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी के हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता